और आपका यस मैम हाँ साइकोथेरेपी का सर ट्रांसफर देंगे एथिकल हाँ आपका 11th पेपर जो है वो एक्सपेरिमेंट है और 12th पेपर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट यस मैम ठीक है ना तो दो पेपर का आप लोग इवैल्यूएशन टेस्ट कर दिए हो ना सर फ्रांसर वाला जमा कर दिए सब हाँ हो गया कब करना आज करना ना जमा प्रीति बहुत चिंतित है और सबसे बढ़िया सुमन अपना बहुत ही अच्छा सा एक फोटो लगा के स्टैग्नेंट है एकदम खूबसूरत सा एक तस्वीर लगा के अपना पर्दे के पीछे है ना चलो आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी ठीक है ना स्वास्थ्य मनोविज्ञान जिसे चिकित्सा मनोविज्ञान या व्यवहार चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान जिसे चिकित्सा मनोविज्ञान या व्यवहार चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध इस बात से होता है मनोविज्ञान का जो रिलेशन है वो चिकित्सा भी है एक तो बीमारी को भी बताता है और दूसरा साइकोथेरेपी के द्वारा बीमारी का भी इलाज करते हैं ना अब कह रहा है कि संबंध इस बात से होता है कि जीव विज्ञान मनोविज्ञान व्यवहार और सामाजिक कारक किस प्रकार स्वस्थ और बीमारी से संबंधित होते हैं जितना भी हमारा जो साइंस है चाहे वो जीव विज्ञान हो मनोविज्ञान हो या व्यवहार हो या सामाजिक कारक सब हमारे व्यवहारों का अध्ययन करके और उसका उसके द्वारा एक इलाज करते हैं ना बीमारी से संबंधित होते हैं और उसका इलाज भी किया जाता है हमारा जितना भी है आपको रेशमी खाना भी बना रही है स्वास्थ्य में संबंधित होते हैं यह शाखा बीमारी के कारण और रोकथाम के संदर्भ में अब देखो हेल्थ साइकोलॉजी करता क्या है हेल्थ साइकोलॉजी सबसे तो बीमारी के बारे में पता करता है ना और बीमारी के बारे में पता करके उस बीमारी का इलाज भी करता है समझ गए हेल्थ साइकोलॉजी का पहला काम क्या है पहला काम तो बीमारी का पता करना और जब बीमारी पता चल जाता है तो उस बीमारी का इलाज कैसे होगा वो करता है ठीक है तुम लोग आवाज म्यूट किए हो लेकिन सर हिला के हाँ कर देना अच्छा तब आगे बढ़ेंगे ठीक है नो मैम मेरा म्यूट नहीं है आप परा का नहीं है बाकी लोगों का म्यूट है तो कम से हाँ वो तो प्रीति का तो अच्छा है म्यूट है वो तो क्या वो खल में कूट रही है तो किसी का उसको आवाज ही नहीं मिलेगा इसलिए अच्छा है कि वो म्यूट की हुई है तो अभी कह रहे हैं कि ये शाखा बताती है कि बीमारी जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के अंतःक्रिया के कारण होती है अब कह रहे हैं कि ये शाखा जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो ये बताता है कि बीमारी किस वजह से है बायोलॉजिकल वायरस से है या फिर आपका जो बीमारी है वो स्वास्थ्य ये अंतःक्रिया जैसे आपको रोजगार है ये सब नहीं मिलता है ये सब सामाजिक कारक हो गया ना आपका जो मेंटल प्रॉब्लम है हेल्थ साइकोलॉजी क्या कर रहा है दो बीमारियों का अध्ययन कर रहा है तो इससे पता चलता है कि कौन सी बीमारी है जो हो सकता है आपका वायरस की वजह से हो लेकिन कुछ बीमारी जो है उसका वजह हो सकता है कि आपके सामाजिक अंतःक्रिया के चलते होता है अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा डिप्रेशन में चले जाओगे तो इस वजह से भी कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाता है ना ऐसे भी साइकोलॉजी में माना गया है कि 75% बीमारी 75% बीमारी का कारण जो है वो क्या है मानसिक तनाव है जितना भी बीमारी है उसमें 75% कारक जो है बीमारी का वो मानसिक तनाव है और बाकी जो है आपका जैसे कैंसर है ये सारा सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वजह से है ठीक है ना देखो हेल्थ साइकोलॉजी की बुक कभी नहीं आई है मार्केट में
हम तो सारा गूगल से निकाल निकाल के आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्यों हेल्थ साइकोलॉजी की बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत खुजवाए थे हम लोग पहले भी कॉलेज में थे तो, ठीक है ना। पता नहीं हेल्थ साइकोलॉजी का गेस्ट आई थिंक आ गया होगा ना बेटा, पता नहीं मैम, हम लोग कोर्स का नहीं लिए हैं, स्टडी का लिए बैठे हैं। हेल्थ साइकोलॉजी का बुक बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। अब देखो, स्वास्थ्य मनोविज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है। आपका जो हेल्थ साइकोलॉजी है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि फिर से रिपीट करें हम? नो मैम, क्लियर हो रहा है। सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। आगे बढ़े या फिर से रिपीट करें? आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़े। देखो कह रहा है कि हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो निम्नलिखित तीन प्रश्नों का